टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आप सबका स्वागत करता हूं इस टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आ गई, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए आधार कार्ड को लेके, और आधार कार्ड को हर चीज़ का सेंटर बनाया गया। मतलब कि आपके आधार कार्ड से सारी चीज़ें जुड़ेंगी और आपके आधार कार्ड से ही पता चलेगा कि क्या क्या अकाउंट आप होल्ड करते हो, कैसे कैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई जिसने सबके नाक पर दम कर रखा था, वो ये था कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो आपकी ट्रांजेक्शन है, मतलब कि जो आप पैसे की लेन देन करते हो, उसकी लिमिट घटा दी जाएगी। तो भाई, बैंक अकाउंट और आपका जो आधार नंबर है उसका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि बहुत लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं था, या किसी के पास जो ब्रांच की ऑप्शन थे वो बहुत दूर दूर थे। मतलब उसको आधार कार्ड लिंक कराने के लिए कुछ दूर जाके अपने ब्रांच में अपना आधार कार्ड नंबर देना होता था, फिर वहाँ पे लिंक होता था। बहुत बार लोग जाते हैं तो वहाँ पे बैंक के सर्वर डाउन है, या फिर बैंक में इतनी लंबी लाइन लगी है कि फिर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है आधार कार्ड लिंक कराने का। और ऐसे ही फिर छोड़ते छोड़ते क्या है, अभी तक बहुत लोगों ने बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड लिंक नहीं किया। लेकिन अगर आपको पता करना है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो लिंक हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आया है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। या फिर इनडायरेक्टली हम बात करें तो आपके आधार कार्ड के साथ कौन से बैंक अकाउंट लिंक है, ये भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है वो कौन कौन से बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, ये कैसे पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए सिंपली आपको एक USSD कोड डायल करना है जिसका नंबर है *99*99*1#। ये नंबर डायल करते ही यहाँ पे आएगा कि आपको आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको एंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये भी एंटर कर देता हूँ, ये मैंने थोड़ा छुपा के रखा हुआ है एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधार कार्ड की एंट्री कर दी, वैसे आधार कार्ड आ ही गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होगा कि यही मेरा नंबर है या नहीं। तो लेट्स से मैंने 1 दबाया और मैंने कंफर्म कर लिया। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई कि जो मेरा आधार नंबर है वो मेरे पंजाब नेशनल बैंक के साथ लिंक है, और ये जो लास्ट अपडेट हुआ था ये 29/7/2017 को हुआ था। तो इसके थ्रू देखिए, ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको डायल करने के थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक से लिंक है या नहीं, या फिर आपके आधार कार्ड नंबर से कौन कौन से बैंक लिंक है। वैसे बात करें फैसिलिटी की तो ये अभी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता है, मतलब बहुत बार किसी किसी के फ़ोन में ये नहीं चलता है, बहुत बार बोलता है कि ये जो USSD कोड है वो गलत है। लेकिन अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी एक बेहतर रिजल्ट ला के देगा। तो पहले जहाँ पे आप चेक करने जाते थे अलग अलग बैंक में, या फिर आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते थे, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करके आप देखते थे कि आपका जो बैंक है उसके साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक छोटा सा कोड है, उसको आपको डायल करना है और वो कोड आपको बता देगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो किसी बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जाके लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगेंगे, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं घुसेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इंटरनेट बैंकिंग ईजी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट बैंकिंग का नाम ही नहीं पता। मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है तो इंटरनेट बैंकिंग कहाँ से पहुँचेगी। लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड आपके बैंक से कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है, इसलिए ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये कोड डायल करके आप कभी भी कहीं भी पता कर सकते हो। शर्त यह है कि यहाँ पर जो आपका नंबर है, जिस नंबर से आप ये कोड डायल कर रहे हो, वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मतलब कि वही नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर ऐसा किया है आपने, तो फिर आप ये सिंपल कोड डायल करके आप पता कर सकते हो कि आपके जो आधार नंबर है उसके साथ कौन कौन से बैंक अकाउंट कनेक्टेड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सा प्रोसेस। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग के साथ, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर कर पाए और यूज कर पाए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।